अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो मैं आज आया हूँ फुरसुंगी के पास, जो पूना के करीब, मतलब पूना के आउटस्कर्ट्स में है। ये एक डंपिंग ग्राउंड है और देख सकते हो आप मेरे पीछे कचरे का ढेर किस तरह से यहाँ पे है। तो ये हमारे यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो, सो कॉल्ड। यहाँ पे बहुत सारे शेड्स भी है बट अभी कुछ भी फंक्शनल नहीं है। तो मैं आज आपको यहाँ का ही टूर कराने वाला हूँ। थोड़ा डिफरेंट है लेकिन हमारे यहाँ पे कचरा कैसे होता है और कैसे मैनेज किया जाता है वो भी आप लोग देख लीजिए एक बार। तो जब आप इस फैसिलिटी को एंटर करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन कंक्रीट के यानी आरसीसी के रोड्स और राइट हैंड साइड पे बड़े बड़े शेड्स और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो ये बहुत ही परफेक्ट जगह थी इस फैसिलिटी के लिए। और अंदर आते ही आपको दिखेंगे यहाँ के जो व्हीकल्स है, यहाँ का JCB, क्रेन्स और जो भी व्हीकल्स ये लोग यूज़ करते थे, बहुत ही ख़राब और सड़ी हुई कंडीशन का। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का था तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और ये कंपोस्ट पैकेजिंग सेक्शन। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शेड्स है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, आप तो हैरान रह जाएंगे अगर आप यहाँ आए तो। और ये इलाका बिल्कुल ही सुनसान है, आपको कोई आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये शेड्स बुरी तरह से सड़ चुके हैं और टूट चुके हैं। ये सब यहाँ पे लगी हुई मशीनरी है जो अभी फ़िलहाल बहुत ही बुरे कंडीशन में है, सड़ चुकी है, सब रस्ट पकड़ चुका है इसको। इस फैसिलिटी में बहुत सी चीज़ें होती थी बट जो मेन चीज़ इन मशीनरीज के और इन शेड्स में होती थी वो था कि प्लास्टिक को ये लोग बर्न करके विदाउट ऑक्सीजन, ये लोग बर्न करके उससे ऑयल प्रोड्यूस करते थे जो कि काफ़ी अच्छे कीमत में मार्केट में बिकता था। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका था प्लास्टिक को यूज़ करने का। और यहाँ पे बहुत से मशीनरीज है, डिफरेंट टाइप्स के कन्वेयर्स है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी और प्रॉपरली ये लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था सब कुछ। बट अनफॉर्चुनेटली सिटी क्योंकि इतना एक्सपांड हो चुका है और करीब आ चुका है इस फैसिलिटी के, कि यहाँ पे अब ये सब चीज़ें करना पोल्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ का माउंट एवरेस्ट है, मेरा मतलब है कचरे के ढेर का माउंट एवरेस्ट। तो देख सकते हो आप इस पर अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। में ये बना होगा उस ज़माने के हिसाब से तो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लग रहा है मुझे इंडिया के हिसाब से। और अभी जो के सिटी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, मतलब ये डंपिंग यार्ड एक्सपांड होते होते सिटी डंपिंग यार्ड के बहुत करीब आ चुकी है। इस वजह से शायद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस डंपिंग यार्ड को भी बंद कर दिया जाए। तो अभी तो यहाँ पर फिर भी मैन्युअली डंपिंग तो चल ही रही है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। बट अच्छा लगा यहाँ पर आके। आप लोग सोच रहे होंगे कचरे में आके कैसा अच्छा लगा, बट हर जगह से एक स्टोरी जुड़ी होती है और बहुत लोग की यहाँ पे लाइफ और जो है जवानी और उनके जो मेहनत के दिन यहाँ गुजरे होंगे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, शायद आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अस्सलामु अलैकुम।